हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अब आप सोच रहे होगी कि आज होली के दिन पर भी है भाई हमें चैन नहीं मिला आ गए हम भी एक क्लास लेकर बिल्कुल यार पता नहीं क्यों कभी कभी मन नहीं करता है ना आज होली की छुट्टी जरूरत हुई पूरे दिन जो भी इन्जॉय था कर लिया लेकिन फिर रात में फिर यार थोड़ा अजीब सा लगने लगा फिर मन लगा कि यार नहीं यार थोड़ा सा पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा कुछ ना कुछ आपसे बातचीत तो कर ही लें कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लें ठीक है ऐसे पता क्या मन नहीं लगता है लगता है कि कुछ ना कुछ कुछ किया ही नहीं आज 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 ऐसा लग रहा है जैसे पूरे दिन में कुछ किया ही नहीं क्योंकि जो आपका काम होता है जो आप डेली करते हो अगर वो काम आप किसी दिन ना करो तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना टाइम हो गया कि हमने वो काम किया ही नहीं तो फिर मुझे लगा कि यार चलो आज जाते जाते क्लास तो हो ही जाए छोटी सी ठीक है तो सबसे पहले तो बताऊ आप लोगों की होली कैसी रही आज ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बातचीत उतनी नहीं करेंगे करेंगे लेकिन उतनी नहीं करेंगे ठीक है और ज्यादा ज्यादा दोस्तों पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे का सेशन रहेगा बस उसके बाद आप भी एंजॉय करना पहले तो बताइए भाई आपका कैसा रहा भाई आज का दिन कितनी होली खेली आपने कितने गुब्बारे फोड़े किस किस को नाली में पटका या खुद तो नहीं पटक गए सर हमारे यहां तो कल होली है अच्छा 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 हमारे यहां तो आज ही थी हैप्पी होली हैप्पी होली आपको भी हैप्पी होली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को ठीक ठाक रही मस्त रही ठीक है सर यहाँ तो होली होली कल है अच्छा कई जगह पर कल होली मनाई जा रही होगी ओके बहुत मजेदार आज तो काम ही काम है सर अच्छा होली पर तो भाई लड़कियों का तो एक ही रहता है बस काम 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 है ना काम करते रहो बस नहीं खेली सर होली खेली नहीं ज्यादा नहीं खोली छोटी अच्छा थोड़ी बहुत खेली चलो तो फिर एक काम करते हैं ठीक है आज थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत इससे कि टच में रहे पढ़ाई के ऐसा ना हो कि आपको लगे कि बिल्कुल आज तो कुछ किया ही नहीं है ना मेरा भी मन नहीं लग रहा था सुबह से मैंने भी सोचा कि चलो कुछ एक आध क्लास कर लेते हैं क्योंकि तो कभी जिस दिन क्लास ना हो तो मन नहीं लगता है अंदर से ठीक है मैं भी बड़ा बोर सा फील कर रहा था तो रह। मैंने कहा चलो आपसे बातचीत कर लेते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बाकी दोस्तों आपको पता ही है कि कल छब्बीस तारीख तक ये ऑफर लास्ट है आपके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो कल आपको दस सत्तर परसेंट तक का यहाँ पर डिस्काउंट है बाकी आपकी जो क्लासेस हैं सुबह वाली वो कल से शुरू हो जाएंगी नौ बजे दस बजे और ग्यारह बजे टॉपिक वाइज जो आपकी क्लास है ठीक है और ए एल पी टेक्नीशियंस के लिए आप लोग दोस्तों यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं ठीक है ये आपकी कल से शुरू हो जाएंगी क्लासेस सारी और टेलीग्राम पर आपको पी डी एफ अवेलेबल सारी करवा दी जाती है क्विक ट्रिक्स बाय साइल सर ऑफिशियल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को तो जितने लोग भी रेडी हैं वो सभी लोग फटाफट से मुझे एक रेडी का मार दे तो मजा आ जाएगा आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास स्टार्ट ठीक है मैं पहले बता देता हूं दोस्तों पंद्रह बीस क्वेश्चन करेंगे पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे की क्लास रखेंगे उसके बाद आपकी भी छुट्टी फिर और एंजॉय करिए जिसको भी करना है ठीक है चलिए शुरू करते हैं क्लास को आइए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी कमरे स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा और आज हम केवल और केवल एनोलॉगी एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आज एनोलॉगी को लेकर आया हूं जिससे कि आप लोगों को ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना फटाफट फट से दोस्तों क्वेश्चन बताते रहो ठीक है सर बिना क्लास लिए आपसे रहा नहीं हाँ यार नहीं रहा गया प्राची बेटा आज भी मुझे सच बताऊ रहा नहीं गया मुझे लगा कि नहीं यार कर लेते एक आध क्लास तो बात तो सच सच तो यही है चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अगर हम देखें सभी लोग ध्यान से फटा फट से फटाफट तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमने क्या कर दिया प्लस का अड़सठ यानी कि सिक्सटी एट सिक्सटी एट अगर आप जोड़ देते हो तो सत्रह ये आ गया 6 छह बारह सैंतीस एक सौ सैंतीस तो यहां पर भी दोस्तों हम प्लस का अड़सठ कर सकते हैं प्लस का अड़सठ अगर कर दे तो आठ आठ सोलह सोलह के यहां से एक पांच छ्यारह और दो एक सौ छब्बीस इज द करेक्ट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मैंने जैसा बोला आज आपको ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा ठीक है सिंपल सिंपल पढ़ेंगे फटाफट से माइक्रोकॉन्ट्रिया का संबंध अगर एनर्जी से तो बताइए डीएनए का संबंध किससे होगा अबे एक सौ सत्रह आंसर लगा दिया एक सौ छब्बीस आंसर आ रहा है एक सौ सत्रह कहां से लगा दिए कुछ लोग यार एक सौ एक सेकेंड रुको जरा ये पिछले वाले का एक सौ सत्रह कौन से हिसाब से लगा दिया आपने ये कौन सा आंसर लगा दिया इधर देखो जरा क्या लगा दिया आपने सिक्सटी नाइन का डबल कर दो नौ दुनिया अठारह की आंसर एक और छुनी बारह और एक तेरह और माइनस का एक तो ये हो जाएगा एक सौ सैंतीस तो फिर यहां पर हमें करना पड़ेगा अट्ठावन का डबल और माइनस का कौन सा लॉजिक लगा के आपने एक सौ सत्रह लगा दिया भाई आज लगता है दम से भांग पिए आप लोगों ने आ, दम से आज भाग पिया आप लोगों ने भाई साहब यहां पर डबल माइनस वन हो रहा है और यहां पर डबल माइनस वन करोगे तो 115 आ, आ सकता आना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें प्लस वन करोगे ना तब आएगा 117 सौ सत्रह दो अट्ठे सोलह आसिल एक दो पंचे ग्यारह ये हो गया यहां पर 100 सौ भैया मेरे प्लस करने पर तो लॉजिक आपने गलत लगा दिया लॉजिक इसमें लगेगा दोस्तों प्लस का सिक्सटी और यहां पर भी प्लस का सिक्सटी तो आंसर बनेगा एक दम से आज भांग पिया आज किसी ने रोका भी नहीं होगा आपको है ना किसी ने रोका भी नहीं होगा चलो यहां देखो दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया का संबंध अगर एनर्जी यानी कि ऊर्जा से है माइट्रोकॉन्ड्रिया का संबंध अगर एनर्जी यानी ऊर्जा से है तो बताइए डीएनए का संबंध किससे होगा डीएनए का संबंध किससे होगा तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनहेरिटेंस देखिए दोस्तों जैसा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है फिर एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है पावर हाउस उसी प्रकार से डीएनए जो है दोस्तों वो बताता है कि भाई आप किस विरासत के हैं ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट से लगाएंगे सभी लोग आंसर समय तीस सेकेंड लगाइए चलिए आ जाओ भाई इसको देख लेते हैं क्या कर सकते हैं दोस्तों इसमें चलो देखो क्या कर सकते हैं इसमें एन से दोस्तों आई तो एन से आई का मतलब हो सकता है आई ओ क्यू और एम तो चौदह से माइनस पांच एफ से ओ यानी कि छे से दोस्तों पंद्रह और छे से पंद्रह का मतलब ये तो दोस्तों गड़बड़ जा सकता है क्या आपको लग रहा है कि ऐसे बनेगा मुझे लगता है नहीं यार ऐसे तो नहीं बन रहा क्या दोस्तों सीधे सीधा जा रहा है क्या आप लोगों का सीधा सीधा जा रहा है क्या आप लोगों का है, है भाई देखो ऐसे माइनस का पांच आ रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर प्लस का नो आ रहा है तो सीधा सीधा करके देख ले अपन यहां भी एक बार जल्दी से तो माइनस का पांच अगर हम करते हैं तो ओ आएगा हाँ यार वो तो है हमारे पास और अगर प्लस का नो कर दे तो सोलह तो प्लस नौ पच्चीस यार वाई भी है हमारे पास इसका मतलब सीधा सीधा शायद जा सकता है एक और देख लेते हैं पंद्रह से प्लस का टू जा रहा है ठीक है भाई यहां भी हम प्लस का टू कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास एल आ जाएगा एल आ जाएगा हाँ एल ई तो आ जाएगा लेकिन दोस्तों ये तो नहीं जा रहा पंद्रह से दो यानी कि सत्रह जबकि यहां पर जे में दो जो तो यार ये यहाँ पर तो नहीं बन रहा यार ये तो गड़बड़ आ रहा है आप क्या करें क्या मेरी गड़बड़ आ रहा है कि आप लोगों का गड़बड़ आ रहा है मेरी गड़बड़ नहीं आप ही लोगों का सबका ही आ रहा है यार ये तो सही नहीं जा रहा यार सर आंसर तो देखा करो हमारे आंसर देखा करो मतलब देख तो रही मैंने आप लोगों का आंसर सी आ रहा है या आ रहा है ऐसे कुछ तो आ रहा है आप लोगों का ओयो, ओयो 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 चलो खैर वो छोड़ो दोस्तों ये बताओ यहां पर पंद्रह में अगर मैंने दो जोड़ा तो पंद्रह और दो सत्रह तो सत्रह तो ये आ गया भाई हमारे पास और यहां पर इक्कीस से बोले माइनस का आठ बैठा देंगे हम लोग है ना तो यार यहां पर आना चाहिए एल और यहां पर दोस्तों अगर मैं माइनस का आठ बैठाता हूं तो एम में अगर मैं आठ घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा ई तो ओ वाई एल ई आ रहा है भाई मेरा तो ओ वाई एल ई क्या आप लोगों को यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं लग रही ओ वाई ओ कहां से आ गया भाई ओ के लिए तो यहां पर प्लस का पांच चाहिए पड़ेगा है ना और यहां पर दोस्तों ओ में प्लस का हो रहा है केवल केवल दो भाई ओ में प्लस दो करेंगे और यहां पर जे में प्लस का दो करेंगे तो एल भाई गड़बड़ आ रहा है भाई और आप लोगों का आंसर आ भी गया कैसे आ गया भाई पता नहीं अभी भी आप लोगों में से काफी लोग वही आंसर दे रहे हो अब देखो मैं बताता हूं सुनो इसमें देखो गड़बड़ क्या है? एक काम करो इसमें गड़बड़ ये है कि आप दोस्तों यहां पर इसको कर लो एस तो शायद सही हो जाए देखो मैं बताता हूं क्या करना है आप एक काम करो यहां पर आप कर लो एस यहां पर अगर आप एस बना लेते हो ठीक है अब देखो जरा ध्यान से क्या हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों आपके पास हो जाएगा एस और यहां पर हमें बनाना है एम तो देखो भाई अब यहां पर हमें जोड़ना पड़ेगा पंद्रह प्लस चार यानी कि एस और इक्कीस में माइनस का आठ एक काम करो इसको करेक्शन कर लो ठीक है करेक्शन कर लो और यहां पर भी दोस्तों अगर हम करेक्शन कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का चार और माइनस का आठ और ऐसा अगर हम करेंगे तो ये आ जाना चाहिए हमारे पास प्लस का चार यानी कि एन और e. अब क्या बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है भाई करेक्शन कर लो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ऑप्शन मिसप्रिंटिंग है आपकी ठीक है ऑप्शन मिसप्रिंटिंग है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो जाती है कभी कभी नेक्स्ट अगला इसको लगाओ ठीक है टाइप करने में गड़बड़ हो गई भाई काफी लोगों ने आंसर भी दे दिया बी सी बी सी बी सी आंसर पता नहीं कौन से हिसाब से लगा रहा है चलो अगला प्रश्न फटाफट पड़ से आंसर सभी लोग देखो 16 से 176 तो 16 का गुणा 11 में कर दो सीधा सीधा 176 आ रहा है और सेम यहां पर दोस्तों 27 का गुणा अगर मैं 11 में कर दो कितना आ जाएगा 27 इंटू ग्यारह तो ये आएगा ये हो जाएगा दोस्तों 22 तो 297 आ रहा है भी आंसर दो हमारा करेक्ट आंसर होगा है क्या हमारे पास जी हाँ बिल्कुल है डी ऑप्शन चलिए एक और अगला प्रश्न फटाफट से आंसर ये बताओ डेजर्ट का संबंध अगर मिराज से है डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का संबंध अगर मिराज से है मिराज समझते हो आप लोग तो बताइए कि महासागर का संबंध किससे होगा महासागर का संबंध किससे होगा देखिए दोस्तों यहां पर मेरी बात समझना ध्यान से क्या होता है जैसे कि आपके पास रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में दोस्तों मिराज का मतलब क्या है मिराज एक प्रकार का फिनोमिना होता है ना एक तरह से फिनोमिना होता है दोस्तों तो ये एक तरह से हम कहते हैं साइंस का इस, इस तरह का एक फिनोमिना है कि जहां पर हमें ऐसा लगता है कि भाई दूर से देखने पर कि पानी है जबकि पानी ना होकर वो क्या होता है रेत ही होती है ना बट जब गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की एयर है वो हमें ऐसा दिखता है दूर से फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा तो रेगिस्तान में जब पानी जैसा लगे तो उसको बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन उसी प्रकार से उसको तो महासागर में जब आपको लगे महासागर में जब आपको लगे कहीं पर एक मिट्टी का टुकड़ा तो उसको हम बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट आपने शायद एल नीनो इफेक्ट पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर ठीक है बिल्कुल सही नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट से आंसर लगाइए चलिए देखिए क्या कर सकते हैं यहां पर मुझको बनाना है दोस्तों y r v w और g देखो भाई z से हम g तक जा सकते हैं तो प्लस का साथ उसके बाद q से दोस्तों सत्रह सत्रह प्लस छ तेईस तेईस में दोस्तों फिर देखो सत्रह प्लस पांच बाईस N से R प्लस का चार और V से Y प्लस का तीन तो तीन चार पांच छह सात क्रॉस करके सेम यहां पर भी हम कर सकते हैं प्लस का सात प्लस का छ प्लस पांच प्लस चार और प्लस तीन तो कितना हो जाएगा इक्कीस प्लस तीन यानी कि चौबीस और मेरे ख्याल से एस और सात यानी कि दोस्तों उन्नीस तो प्लस सात हो जाता है आपके पास छब्बीस यानी कि जेड तो एक्स के साथ हमको जेड चाहिए जो कि हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है ठीक है ना बिल्कुल सही है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन तीस सेकेंड फटाफट से लगा गौरव श्रीवास्तव कह रहे रिकॉर्डेड क्लास है क्या ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है भाग जाओ भाग जाओ रिकॉर्ड है जाओ जाओ जल्दी भागो आज मन नहीं लग रहा था मेरा सुबह से इसलिए मैंने सोचा चलो एक छोटी सी क्लास कर ही लेते ना सीधा सीधा नहीं हो रहा बेटा सीधा सीधा में गड़बड़ हो जाएगी ठीक है सीधे सीधे गड़बड़ हो सकती है देखो भाई यहां पर दोस्तों मुझे अड़तीस बनाना है किससे पच्चीस से सॉरी अड़तीस से पच्चीस बनाना है देखो भाई 38 से पच्चीस कैसे बन सकता है तीन और आठ को अलग अलग ले लें तो आठ या चौबीस और चौबीस में दोस्तों अगर मैं एक और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास चौबीस में अगर एक और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास पच्चीस सेम यहां पर आठ और छह को अलग अलग लेके ले आठ इंटू छ अड़तालीस और अड़तालीस में एक और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा उनचास यानी फोर्टी नाइन हमारा करेक्ट आंसर जो कि हमें दिया भी है ऑप्शन नंबर सी हम बिल्कुल जा सकते हैं सही नेक्स्ट चलो यहां देखो भाई ये बताओ दोस्तों सुधार का यानी मेंड का संबंध अगर सिलाई से है तो संपादित यानी एडिट का संबंध किससे होगा एडिट शब्द आप सभी लोगों ने सुना होगा दोस्तों जो है, वो हमेशा जो है, cobbler, के लिए करा जाता है जब वो जूतों को सही करते हैं तो वैसे तो मोची के लिए यूज करा जाता है तो मोची भी दोस्तों सिलाई करके या स्विंग करके किसी जूते को सही करते, करते हैं ठीक है उसी प्रकार से एडिट एडिट दोस्तों क्या होता है तो एडिट भी एक प्रकार से क्या रिपेयर होता है लेकिन किसका एडिट दोस्तों रिपेयर होता है किसी किसी मनुस्क्रिप्ट अब दोस्तों मनुस्क्रिप्ट क्या है एक प्रकार से कोई पैराग्राफ हो गया कोई पेपर हो गया कोई किताब हो गया कोई लेख हो गया उसको जब रिपेयर करते हैं एडिट करके तो करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है किस चीज को करते हैं किस तरीके से करते हैं चलिए नेक्स्ट देखिए लेटर कभी भी आपके सामने आए तो लेटर की दोस्तों प्लेस वैल्यू को अगर आप लिख लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है तो लेटर की प्लेस वैल्यू लिख कर देखो भाई क्या शायद हमारे लिए कुछ आसान हो सकता है इसमें। तो लेटर की दोस्तों प्लेस वैल्यू चार है छ है सात है आठ है बनाना कितना है बोले यहां पर दोस्तों बत्तीस दिख रहा है छत्तीस दिख रहा है सीधे समझ में आ गया भाई इसमें जा रहा है आठ का मल्टीप्लाई उसके बाद दोस्तों छे तो यहां पर कर दो भाई छे का मल्टीप्लाई छे इंटू छिस हो गया फिर सात का मल्टीप्लाई चार में कर दो तो सात चौक अट्ठाईस हो गया और आठ का मल्टीप्लाई दो में कर दो आठ दो सोलह हो गया यानी कि आठ छ चार दो सेम यहां पर हो जाएगा आठ छ चार दो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सात इंटू आठ हो गया हमारे पास छप्पन छप्पन का मतलब ये आंसर नहीं हो सकता ये आंसर नहीं हो सकता ठीक है उसके बाद नौ इंटू छ चौवन आ गया चौवन दोन चौवन दोनों में आ रहा है फिर दस चालीस आ जाएगा भाई चालीस मेरे पास केवल एक ही में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर ठीक है सर आप होली नहीं खेलो हो क्या कल से ड्रेस का कलर सेम है <laughs> दो तीन ड्रेस है हमारे पास ऐसी ठीक है आज वाली तो खेल खेल खराब हो गई अभी दूसरी वाली है दो तीन ले आए थे तो मुझे पता था एक वाली तो एक बार में खराब हो जाएगी दूसरी फाड़ फूट दी जाएगी तो एक की तो हालत खराब हो गई तो ये दूसरी पहन ली फिर हमने होली में ड्रेस ये सब बचती है कहीं पर फाड़ हैं सब तो आज तो मैंने ऐसी इतनी होली खेली कि दूसरी पहली टी शर्ट तो फट गई हमारी बेकार हो गई अब ये दूसरी टी शर्ट पहन सेम इतनी होली खेली हमने इतनी होली खेली हमने होली बहुत खेलते हैं हम चलो देखो 123 और चार भाई देखो इसको आधा आधा कर लो ये 12 है और इस बारह को इस तीन से डिवाइड कर दो कितना मिलेगा हमको चार भाई चार ये दोस्तों कितना 92. इस 92 को इस को से डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा तेईस बार ये भी सही है तो इसको भी डिवाइड कर दो को से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा बारह चिक्का बहत्तर बार यानी कि ऑप्शन नंबर डी बारह इज द करेक्ट आंसर कितने लोगों को आ गया भाई चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन समय मिलेगा बीस का दोस्तों अगर गौशाला का संबंध गाय से होता है तो बताइए कि शुकर का संबंध किससे होगा शुकर 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 यानी स्टाई याद रखना भाई स्टाई ठीक है स्टाई को क्या बोलते हैं स्टाई वो जगह होती है जहां पर शुकर रहते हैं शुकर को क्या बोलते हैं शुकर को बोलते हैं पिग यानी कि सुअर तो दोस्तों यहां पर सुअर इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी और यहां पर गौशाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बायर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बायर ठीक है, सुअर इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्लियर है आप सभी लोगों को आर यू सुअर फॉर द आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन चलो तीस सेकेंड देखो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को ट्रेंडिंग लॉजिक के बारे में बताया था याद है किसी को ट्रेंडिंग लॉजिक बताया था ट्रेंडिंग लॉजिक क्यों क्योंकि भाई ये जो लॉजिक है ये आपके एग्जाम में दो हजार में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे ना तो यहां पर दोस्तों देखिए कैसे इसमें से सबसे छोटा लेटर इसमें यानी कि हमने इसमें ट्रेंडिंग लॉजिक यूज करा मैं लिख देता हूं यहां पर ठीक है हमने यूज किया दोस्तों इसमें ट्रेंडिंग लॉजिक यू�

तो भाई पहले हमने एबीसीडी के क्रम में लगाना है फिर इसमें माइनस टू प्लस टू करना है तो इसमें सबसे पहले देखो भाई सबसे छोटा लेटर कौन सा है जी जी से बड़ा एल एल से बड़ा पी पी से बड़ा क्यू क्यू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू और माइनस टू ठीक है तो माइनस टू कर दोगे तो ई आ जाएगा फिर आ जाएगा एन फिर आ जाएगा एन फिर आ जाएगा, जाएगा, जाएगा सत्रह दो उन्नीस और फिर आ जाएगा पी तो ये आंसर बन गया हमारे पास डबल एन एस पी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर समझ में आ गया याद रखना भाई सभी लोग इसको ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन तीस सेकेंड वेरी गुड बहुत बढ़िया काफी लोगों ने इसमें जो है आज अच्छे से इसका आंसर निकाल दिया सही कर दिया वेरी गुड देखो क्या कर सकते हैं बोले सर आठ से चवालीस बनाना है तो देखो हम ये कर सकते हैं कि आठ चिका अड़तालीस अड़तालीस में चार घटाएं तो मेरे पास आ सकता है चवालीस ठीक है तो अगर मुझे दोस्तों यहां पर अब बनाना है बहत्तर से तो फिर यहां पर मुझे बहत्तर का छे में गुणा करके और चार माइनस तो मेरे ख्याल से हो जाएगा दोस्तों आपके पास बहत्तर इंटू छ करोगे तो तीन सौ बयालीस चार सौ बीस और बारह चार सौ बत्तीस यार चार सौ बत्तीस आ रहा है तो बहुत ज्यादा आ रहा है इतना तो है नहीं हटा दो ये लॉजिक नहीं बनेगा एक लॉजिक ये हो सकता है दोस्तों आठ पंचे चालीस चालीस में चार जोड़ा तो भी हमारे पास चवालीस है चलो ये करके देखते हैं तो बहत्तर का दोस्तों पांच गुना और प्लस का चार करके देखो जरा तो बहत्तर का पांच गुना कितना हो जाएगा साढ़े तीन सौ और साढ़े तीन सौ तीन सौ साठ और चार तीन सौ यार थोड़ा सा करीब तो पहुंचे हैं लेकिन उतना नहीं पहुंच पाए जितना पहुंचना चाहिए था अब बताओ क्या कर सकते हैं अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों इसमें देखो यहां जो मैंने चार जोड़ा है या तो ये दोस्तों मैंने अपने मन से जोड़ा होगा मैंने कई बार आपसे बोला है और या फिर हो सकता है ये मैंने क्वेश्चन सही उठाया होगा कैसे देखो भाई आठ है तो आठ से भी तो चार बनाया जा सकता है इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम क्वेश्चन से उठा सकते हैं देखो जरा आठ का पांच में मल्टीप्लाई करके दोस्तों उसमें आठ को दो से डिवाइड करके ही जोड़ दो तो आठ पंचे चालीस चालीस प्लस चार कितना हो जाएगा चवालीस सेम यहां पर देखो भाई बहत्तर का मल्टीप्लाई पांच में करके दोस्तों बहत्तर का ही आधा अगर हम उसमें जोड़ दें तो मेरे पास कितना बन जाएगा 360 और बहत्तर का आधा हो जाता है दोस्तों 36 तो आंसर दोस्तों 396 ऑप्शन में दिख रहा था इसलिए ऐसा भी सोच सकते हैं ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है ये समझ आ रहा है सभी को चलो आ जाओ एक और फिर जल्दी से सभी लोग फटाफट से देखो दोस्तों आइसिंग का संबंध अगर केक से है तो रिबन का संबंध किससे हो सकता है आइसिंग का संबंध अगर केक से है तो रिबन का संबंध किससे हो सकता है आइसिंग क्या होती है केक केक के ऊपर जो सजावट करी जाती है दोस्तों तो क्रीम वगैरह से या किसी और चीज से उसको आइसिंग बोलते हैं ना तो केक के ऊपर जो दोस्तों सजावट करी जाती है इस तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं कर देते कुछ भी लगा देते सर तो उसको बोलते आइसिंग दोस्तों तो रेबिन क्या है रिबिन भी एक प्रकार की सजावट है किसके ऊपर होती है वो सजावट वो सजावट होती है तो किसी गिफ्ट यानी उपहार के ऊपर करी गई सजावट को बोलते हैं काफी लोगों ने इसके अंदर अभी लगा रहे को बोले नाइफ चाकू रिबिन चाकू से रिबिन काटते पहली बात तो चाकू से रिबिन काटते नहीं है रिबिन काटते कैंची से चाकू से कौन काट रहा है बैठ के है? यार केक के अब तो कैसे आंसर लगा रहे हो बोले रिबिन का संबंध चाकू से हो गया कैसे रिबिन को काटते हैं चाकू से तो आइसिंग को काटते हैं केक से आइसिंग को केक से काटेंगे कुछ भी चलो एक और लो आ जाओ भी चाकू से काट रहे हैं बताओ। तुम लोग वाकई में कोई स्टूडेंट होगी हत्यारे, हत्यारे तो नहीं हो कहीं इधर उधर डाकू आकू चोर चोर लगते तुम लोग चाकू आकू काट रहे हैं तो पक्का हाथ चढ़ गई तुम लोगों है आज तो किसी ने मना भी नहीं किया वो दम से आज पी है तुम लोगों ने आज भांग एना? बहुत भांग पी है आज चलो देखो कोई बात नहीं आज तो होली है दोस्तों यहां पर उन्नीस है, है हमारे पास और बीस है और बनाना मुझको कितना है दो सौ पच्चीस अब दो सौ पच्चीस दोस्तों अगर मुझको बनाना है तो मेरे ख्याल से ये बन तो सकता है अच्छा एक चीज और देखो ये सारे के सारे जो है ये नंबर आपके स्क्वायर है ये सारे नंबर स्क्वायर है और अगर ये सारे नंबर स्क्वायर हैं इसका मतलब मुझे इससे कोई स्क्वायर बनाना है तो अगर इससे कोई स्क्वायर बनाना है इसका दोस्तों ये भी स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर होता है बोले सर ये स्क्वायर होता है पंद्रह का और दोस्तों अगर ये पंद्रह का स्क्वायर है तो उन्नीस और बीस से अब आप सोचो कि हम पंद्रह कैसे बना सकते हैं तो आपको सर देखो अगर सीधा सीधा काम नहीं निकलता ना तो हम उंगली को टेढ़ा करते हैं तो उंगली को अगर हम टेढ़ा करें तो एस का, का उल्टा कितना होता है एच और दोस्तों टी का उल्टा कितना होता है जी ये हो गया आठ ये हो गया सात दोनों को जोड़ा पंद्रह और पंद्रह का स्क्वायर खत्म कहानी आया मजा कि नहीं आया सेम यहां पर एल का उल्टा दोस्तों ओ होता है है ना एल का उल्टा कैसे देखो L -O -E, लव शब्द सुना आप लोगों ने लव प्यार होली भी दोस्तों प्यार का त्योहार होता है तो जब भी दोस्तों दो लोग दो, लव होता है लव तो जब भी दोस्तों दो लोगों के बीच का प्यार टूटता है याद रखना इसको जब भी दो लोगों के बीच का प्यार टूटता है तो दो विपरीत मिलते हैं एक मिलता है एल का ओ और एक मिलता है वी का ई e. जब भी दोनों के बीच का पैर टूटता है तो दो अपनी अपनी जगह चले जाते हैं ना अपोजिट एक इस दिशा में एक इस दिशा में तो एल ओ और बी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं याद रखना इसको ठीक है तो यहां पर एल का उल्टा ओ हो गया और के का उल्टा कमला पसंद हो गया तो कितना आ जाएगा भाई यहां पर पंद्रह और यहां पर कितना आ गया सोलह दोनों को जोड़ा तो इकतीस और इकतीस का स्क्वायर कितना होता है नौ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है भाई ठीक है चलो ये बताओ भी अभी तक कैसा लग रहा है सेशन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ब्रेकअप हो गया कितना खुशी होती कसम से दो लोगों के बीच का प्यार टूटने से इनको कितनी खुशी हो रही है इतना सब खुश हो गए इतना हंस रहे हैं मजा ही आ गया सर बहुत मजा आ गया सर दो लोगों के बीच का प्यार टूट गया ना इसलिए सर होली क्यों मनाया जाता है होली क्यों मनाया जाता है होली पर अः मुझे जहां तक याद होली इसलिए मनाया जाता होगा कि होली इसलिए मनाया जाता है कि एक बार क्या हुआ कि किसी के घर में ना उसने कलर बनाया था तो उसके बाद बहुत सारा कलर बचा रह गया तो सब लोगों ने फिर एक दूसरे के साथ खेल के उसको खत्म किया तो इसलिए फिर उसी दिन से होली मनाना शुरू कर दिया होली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे घर में जब कलर बच जाते तो उसको खत्म करने के लिए दूसरों के ऊपर फेंकते हैं और उसके लिए होलू होली मनाया जाता है ठीक है चलो सुनो अच्छा आगे बात समझ में होली क्यों मनाया जाता है चलिए देखो भाई अब जैसा कि मैंने बोला था कि आपसे आज मैं सुबह से हो रहा था बोर तो मुझे लग रहा था कि यार कोई क्लास ले ले तो मैंने सोचा कब ले मैंने कहा शाम को लेंगे तो आप लोग पता नहीं मिलोगे नहीं मिलोगे, नहीं, मिलोगे आप लोग मैंने कहा रात में लेते हैं रात तक के आप लोगों की उतर भी गई होगी है ना अगर किसी ने पी रखी होगी भांग वांग आग सुबह से तो मैंने कहा रात में दस बजे बढ़िया सी एक आधे घंटे की क्लास दोस्तों आज आधे घंटे की क्लास करते हैं मस्त ठीक है ज्यादा इधर उधर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सबसे पहले बताओ तो मजा आया कि नहीं आया पंद्रह क्वेश्चन आज एंजॉय करो थोड़ा लाइट ठीक है आराम से एंजॉय करो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर अच्छा लगा सेशन मजा आया तो वीडियो को लाइक करो सभी लोग फटाफट से और कल से आपकी वापस से शुरू हो जाएंगी क्लासेस ठीक है आपसे देखिए आज बातचीत भी हो गई मिलना जुलना भी हो गया और इधर उधर की जो टेंशन थी या फिर इधर उधर जो भी बोरिंग फील हो रहा था वो भी अपन का मस्त मजा आ गया ठीक है चलिए रात में तो मजा आता ही है वैसे भी आप लोगों को दस बजे है ना चलिए दोस्तों अगर अच्छा लगे सेशन तो बताइएगा बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को बता दू कल रात बारह बजे तक यानी छब्बीस तारीख तक ये ऑफर लास्ट है 70 के छूट आपको होली पर यहां पर मिल रहे हैं तो अगर आप भी दोस्तों रीजनिंग का यह पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है रेलवे रीजनिंग फाउंडेशन हो गया या फिर दोस्तों आप आर फाउंडेशन हो गया जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर है ये सारी की सारी फीस आपकी कम हो जाएगी पन कोड एक आपको दिया जा रहा है आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपकी फीस केवल इतनी लगने वाली है केवल इस फीस पर इतनी सी फीस पर आपको ये सारे टीचर सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं और ये सारे एग्जाम कवर होंगे अलग से आपको किसी भी एग्जाम के लिए दूसरा कोई बैच लेना नहीं है कभी नहीं लेना बेसिक के लिए ठीक है बेसिक के लिए आपको केवल वन टाइम पढ़ना है और उसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और ये भी जो फीस है ये भी आपकी कम कर दी गई है ये फीस भी आपकी केवल फोर नाइन नाइन में आपको पूरा रीजनिंग यहां पर पढ़ने को मिल जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए तो कैसे क्या करना है आपको दोस्तों डाउनलोड करना है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से और बढ़िया से आपको पेड बैच में जाना है और पेड बैच में जाकर आप सारी चीजें यहां पर पढ़ सकते हो कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा कोई दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट्स में आप बता देना ठीक है चलिए खत्म करते हैं दोस्तों आज के सेशन को मिलते हैं अब आपसे कल फिर सुबह दस बजे आकाश एक्सप्रेस यहां पर टॉपिक वाइज चैप्टर चल रहा है और कल एक नया चैप्टर सिलोजिज्म को हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना आ जाएगा सिलोजिज्म जिसमें कहते हैं ना कुछ कुत्ते बिल्ली हैं कुछ बिल्ली कुत्ते हैं वही वाला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे सुबह दस बजे ठीक है दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी है होली टू ऑल थैंक यू सो मच फॉर द सेशन मिलते हैं अब आपसे कल फिर तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना शुभ रात्रि जय हिंद हैप्पी होली थैंक यू